जय श्री कृष्णा बच्चों। तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन आपको बताई थी, बहुत सारी डेफिनेशन बताई थी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फलाना ढिमका, बहुत सारी जो डेफिनेशन बताई थी उन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो बोर्ड पे आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसी से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन है, और इस पहले और दूसरे का डिफरेंस समझना भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मैं ये पहला वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बताता हूं। एक पार्टिकल जो है वो आधी दूरी तय करता है स्पीड v1 से, सॉरी आधे समय तक वो स्पीड v1 से चलता है और हाफ ऑफ द टाइम विद स्पीड v2 से चलता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। कोई पार्टिकल है आधे समय तक v1 से चलता है, आधे समय तक v2 से चलता है, तो उसकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब अगर आपको उसकी स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, तो देखिए आधे समय तक वो v1 से चला, मान लेते हैं उसने स्टार्ट किया a से और b तक गया, तो आधे समय तक वो v1 से चला, मान लेते हैं कुल समय जो था वो t समय था, t = 0 पे स्टार्ट किया था उसने, t = 0 पे स्टार्ट किया था और t = t पर वो एंड हुआ है, तो कुल t समय तक वो चला। तो अब इसके अंदर अगर t समय तक वो चला है तो आधे समय तक वो v1 से चला था, यानी आधे समय तक वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो डिस्टेंस हो जाएगी v1 × t/2। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड v1 है, टाइम t/2 हो गया, और अगली आधी जो दूरी वो तय करेगा वो बराबर जाएगी v2 × t/2। अगली जो आधी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो v2 × t/2 के बराबर हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया कि भाई एवरेज स्पीड बताओ उसकी, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड की जो डेफिनेशन थी जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, तो याद करें एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब आप देखें वो पार्टिकल यहां से यहां तक आया तो टोटल डिस्टेंस कितना चला, वो v1 t/2 + v2 t/2, ये टोटल डिस्टेंस हो गया। टोटल टाइम से हम डिवाइड करते हैं, टोटल टाइम t था, तो सॉल्व करने पर यही एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, v1 + v2/2। तो आधे समय तक वो v1 से चला था, अगले आधे तक v2 से चला था, तो जो एवरेज स्पीड आ गई उसके बराबर हो गई। अब इसी के साथ साथ आइए दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल ये है, पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v2। आधी डिस्टेंस वो v1 स्पीड से चलता है, आधी डिस्टेंस वो v2 स्पीड से चलता है, तो एवरेज स्पीड बतानी है। अब इस सवाल के अंदर डिस्टेंस की बात करी है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि a से b तक की जो डिस्टेंस थी, जो a से b तक की दूरी थी वो x थी, और x/2 दूरी तक वो v1 चाल से चला है, और फिर उसके बाद x/2 दूरी तक वो v2 चाल से चला है। तो आपसे एवरेज स्पीड पूछी है, तो एवरेज स्पीड की हमको डेफिनेशन याद रखनी है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के अंदर कंसेप्ट्स होते हैं, कंसेप्ट का मतलब होता है फार्मूले एंड डेफिनेशन। कंसेप्ट का ही मतलब होगा कि जो डेफिनेशन है वो आपको पता है और उससे रिलेटेड फार्मूले आपको पता है, तो आपका कंसेप्ट क्लियर है। हम बार बार बोलते हैं ना कंसेप्ट क्लियर करो तभी सवाल लगेंगे, तो कंसेप्ट का मतलब ये कि डेफिनेशन आपको पता है और उसकी फील है आपको और फार्मूले आपको पता है। तो अब जैसे आपको एवरेज स्पीड निकालनी है यहां पे, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितनी है यहां पे, यहां से यहां तक के डिस्टेंस x के बराबर है, और टोटल टाइम यहां से यहां तक का टाइम अगर हमें निकालना है तो मैं मानता हूं कि यहां से यहां तक का टाइम t1 लग गया, और यहां से यहां तक का मैंने मान लिया t2 लग गया, तो ये हो जाएगा x/t1 + t2, ये हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा x/t1 जो है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी, डिस्टेंस है x/2, स्पीड है v1, तो ये हो जाएगा x/2 v1, और t2 जो है वो भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी x/2 v2, ये भी हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, x सारे कट जाएंगे, और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 2v1 v2 / v1 + v2, ये आ जाएगा। तो अगर आधे समय तक v1 v2 से चलता था तो ये रिजल्ट आ गया, और अगर आधी दूरी वो v1 से चल रहा था और आधी दूरी v2 से चल रहा था तो ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी के जो फॉर्मूले हैं उनको इस तरह से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अभी दो क्वेश्चन आपको कराए थे, अब ये क्वेश्चन जो आ रहा है आपके सामने मैंने लिखा हुआ, ये क्वेश्चन उन दोनों क्वेश्चन का मिक्सचर है, दोनों क्वेश्चन को एक साथ देखा जाए तो मिक्सचर है। इसमें कह रहे हैं पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v0, फॉर हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम इट ट्रेवल्स विद स्पीड v1 एंड कंप्लीट द डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड।
माने आधे आधी दूरी तक तो वो वी नॉट से चलता है और जो बचा हुआ समय है उसमें आधे समय तक वी वन से चलता है, फिर अगले आधे समय तक वो वी टू से चलता है। तो आपको बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो अभी देखें, जैसे मान लेते हैं ये है, ये पार्टिकल था और इसको कुल चलनी थी एक्स डिस्टेंस, कुल एक्स डिस्टेंस इसको चलनी थी। उस एक्स में से ये एक्स बाई टू डिस्टेंस वी नॉट बाई टू से चलता है और अगली जो एक्स बाई टू है, बाकी जो x बाई टू बच रही है, इस बचे हुए x बाई टू में इन्होंने बताया है कि जो भी बचे, पहले तो आधा x बाई टू जो है वो v नॉट से चलता है और फिर ये बता रहे हैं कि जो बचा हुआ आधा समय है, माने अब यहां से यहां तक मान लो कि इसको एक घंटा लगना था तो आधे घंटे तक वो v1 से चल रहा है और अगले आधे घंटे तक वो v2 से चल रहा है। ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड की वैल्यू बतानी है। तो अब अगर आधे घंटे तक वो v1 से चल रहा है तो जैसे मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का कुल टाइम t के बराबर है, इस जगह से इस जगह तक का कुल टाइम टी के बराबर है, तो टी बाई टू टाइम तक वो वी वन से चला और अगला टी बाई टू तक वो वी टू से चला। तो जैसे मान लीजिए टी बाई टू टाइम तक वो वी वन से चला तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वी वन टी बाई टू, फिर अगला टी बाई टू टाइम तक वो वी टू से चला तो ये डिस्टेंस हो जाएगी वी टू इंटू टी बाई टू। यही क्वेश्चन ने बोला है कि आधी दूरी वो वी नॉट से चला, फिर जो भी बचा हुआ समय था उसमें आधे समय तक वो v1 से चला और आधे समय तक v2 से चला, तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है। तो अगर हमें एवरेज स्पीड इसकी निकालनी है तो इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी ये बराबर आ जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां से यहां तक का टाइम, अच्छा टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां से यहां तक की स्पीड थी v0, तो टाइम हो जाएगा x बाई टू v0, और यहां से यहां तक का टाइम जो है मैंने t मान रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x अपॉन x बाई टू v0 प्लस t। अब ये जो t है, अगर इस t को मैं किसी तरह से x के टर्म में निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब इस t को मैं x के टर्म में निकालने जा रहा हूं, कैसे निकालूंगा t को x के टर्म में, देखें यहां से यहां तक की दूरी जो है वो है v1 t by 2, ये वाली दूरी जो है ये v2 t by 2 है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो x by 2 के बराबर है, हमें पता है 2 से 2 से 2 चला जाएगा और t किसके बराबर आ जाएगा, x अपॉन v1 plus v2, 2 से 2 से 2 चला जाएगा और t की वैल्यू आ जाएगी x upon v1 plus v2, यहां से यहां तक का समय x upon v1 plus v2 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो जो एवरेज वेलोसिटी आएगी टोटल डिस्टेंस x, यहां से यहां तक का टाइम x by 2 v0 प्लस यहां से यहां तक का टाइम t, t की जगह आ चुका है x by v1 plus v2, ये आ चुका है। काट पीट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 2 v0 v1 plus v2 अपॉन v1 plus v2 plus 2 v0, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, x कट जाएगा और ये एवरेज स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से आपको बता रहा हूं कि भाई आधे आधी कुल दूरी x चलनी थी तो आधी दूरी यानी x बाई टू तक वो v0 से चला। अब इसके बाद जो भी बचा हुआ समय है, जो भी रिमेनिंग टाइम है, उसमें आधे समय तक v1 से चलता है और फिर अगले आधे समय तक v2 से चलता है, तो एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड होती टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहां से यहां तक का टाइम होगा x बाई टू v0, यहां से यहां तक का टाइम मैंने t मान लिया। तो अब ये दूरी v1 t by 2 है, ये v2 t by 2 है, तो v1 t by 2 plus v2 by 2, ये दूरी x by 2 थी, सॉल्व करके t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी, सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है। ठीक है, जैसे एक तो ये इसका प्रॉपर डेफिनेशन जो थी उसके आधार पे ये तरीका हो गया। दूसरा इस क्वेश्चन को तरीका क्या है कि जो मैंने अभी आपको दो सवाल पहले कराए थे, इसके पहले जो दो सवाल कराए थे उन दोनों सवालों को कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा। दो सवाल क्या कराए थे कि आधे समय तक v1 से आधे समय तक v2 से तो एवरेज होता है v1 plus v2 by 2। दूसरा क्या था, आधा डिस्टेंस v1 से आधा डिस्टेंस v2 से तो एवरेज स्पीड होती है 2v1 v2 upon v1 plus v2। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, जैसे यहां से यहां तक देखा जाए तो आधे समय तक v1 से चला था आधे समय तक v2 से चला था, तो यहां से यहां तक की जो एवरेज स्पीड आएगी, इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी आएगी v1 plus v2 by 2। यहां से यहां तक स्पीड है v0, यहां से यहां तक है v1 plus v2 by 2, यानी आधी दूरी वो चला v0 से और अगली आधी दूरी चला वो v1 plus v2 by 2 से, तो जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या होती है, 2 into first velocity into second velocity divided by sum of velocity। तो सीधे मैं लिखूंगा 2
इंटू फर्स्ट वेलोसिटी, यहां से यहां तक की वेलोसिटी कितनी थी वी नॉट, इंटू सेकेंड वेलोसिटी, सेकेंड वेलोसिटी है वी वन प्लस वी टू बाई टू, यहां से यहां तक की वेलोसिटी वी वन प्लस वी टू बाई टू थी अपॉन दोनों वेलोसिटीज का सम, तो वी नॉट प्लस वी वन प्लस वी टू बाई टू। सॉल्व करेंगे तो ये सीधे जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी टू वी नॉट इंटू वी वन प्लस वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू प्लस टू वी नॉट, ये आ जाएगी। एक ये भी तरीका है, डायरेक्ट लिखने का भी तरीका है। तो इसके अंदर क्या है कि जैसे बेसिक डेफिनेशन से जुड़े हुए जो सवाल थे उनके अंदर कड़ी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है। ये रेल की पटरियां हैं, ठीक है, रेल की पटरियां हैं और इधर से ट्रेन आती है और ये जो है वो एक रोड है और ये जो रोड है वो रेल की पटरी के किनारे किनारे चलती है। जैसे कई बार ऐसे आप लोग देखते हो ट्रेन से जा रहे हो, सामने बगल में कोई साइकिल से जा रहा है, कार से जा रहा है, तो उस समय आपको ये समझ में भी आता है कि हमारी ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है क्योंकि कार, कई बार ट्रेन चल रही है कार बगल में चल रही है तो कार पीछे छूट जाती है, तो ट्रेन की स्पीड देखने में उतनी नहीं लगती लेकिन बहुत ज्यादा होती है। तो खैर ये ट्रेन जा रही है बहुत तेज रफ्तार से और उसी रास्ते से एक लड़का आता है, रोज लड़के को अपना स्कूल जाना होगा, जहां भी जाना होगा, और ये दोनों रोज सुबह 8 बजे यहां मिलते हैं। ठीक, दोनों राइट टाइम रहते हैं, लड़का भी राइट टाइम रहता है, ट्रेन भी राइट टाइम रहती है, ना तो लड़का इंडिया का है ना ट्रेन इंडिया की है, ठीक है, लेकिन ये दोनों राइट टाइम रहते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है 8 बजे दोनों रोज सुबह यहां पे मिलते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि ये लड़का 25 मिनट लेट हो जाता है, अपने घर से 25 मिनट लेट निकलता है, तो उस दिन क्या होता है कि ट्रेन उसे कुछ पहले मिल जाती है, थोड़ा पहले मिल जाती है। इसी पे सवाल बना हुआ है, ठीक है, तो सवाल मैं लिख रहा हूं, बोथ मीट एट द क्रॉसिंग एट 8 AM One day, the boy is 25 minutes late. One day, the boy is 25 minutes late. One day, the boy is 25 minutes late and he meets the train He meets the train 10 kilometer before the crossing. If speed of the boy is 20 kilometers per hour, find the speed of the train. सवाल देखें, सवाल ये है कि ये दोनों ट्रेन इधर से आती है, लड़का इधर से आता है और दोनों रोज सुबह 8 बजे ठीक 8 बजे क्रॉसिंग पे मिलते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि लड़का 25 मिनट लेट हो जाता है, तो जब लड़का 25 मिनट लेट हो जाता है तो ट्रेन उसे 10 किलोमीटर पहले ही मिल जाती है, ठीक है। वन डे द बॉय इज 25 मिनट्स लेट एंड ही मीट्स द ट्रेन 10 किलोमीटर बिफोर द क्रॉसिंग, ठीक है। तो अगर ट्रेन की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो आपको स्पीड बतानी है, लड़के की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है तो ट्रेन की स्पीड बतानी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको समय दे रहा हूं 20 मिनट का, 20 मिनट तक इत्मीनान से इस क्वेश्चन को करिए, पूरी ताकत लगाइए, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। तो अच्छा सवाल है, कहने का मतलब यह है कि अच्छा सवाल है, बाकी आप इसको पॉज करेंगे, खूब एफर्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर आप मेरा सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। इसमें क्या हो रहा है कि ये ट्रेन इस लड़के को 10 किलोमीटर पहले मिल जा रही है, 10 किलोमीटर पहले मिल जा रही है, ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। अब एक छोटी सी बात ये है कि इसमें सवाल को करने में क्या होता है कि बच्चे
खूब सारे इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इक्वेशन, वो इक्वेशन, टी वन टी टू टी थ्री मानते हैं, बहुत कुछ मानते हैं और मानने के बाद गलत हो जाता है, मतलब नहीं आता है। ये कॉमन सेंस का सवाल है, ये फिजिक्स के साथ साथ इसमें कॉमन सेंस लग रहा है। तो इसमें क्या है कि लड़का अगर 10 किलोमीटर पहले मिल जाता है तो 10 किलोमीटर चलने में लड़के को जो टाइम लगेगा ना, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी उस लड़के को आधा घंटा लगेगा, यानी कि 30 मिनट लगेगा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर चलने में लड़के को 30 मिनट लगेगा। ठीक है, अब लड़का रोज 8 बजे पहुंचता था, आज 25 मिनट लेट है ये लड़का, तो आज के दिन में, आज दिन वो लड़का कितने बजे पहुंचेगा? 8:25। अगर ट्रेन 25 मिनट लेट है, ठीक है, सॉरी, ट्रेन जो है वो तो राइट टाइम है, ट्रेन नहीं लेट है, लड़का 25 मिनट लेट है रोज, यहां जैसे मान लीजिए आप रोज क्लास में पहुंचते 8 बजे, 25 मिनट एक दिन लेट है तो 8:25 पे पहुंचे ना, तो वही बात यहां पर है कि अगर ये 25 मिनट लेट है तो फिर इसका मतलब लड़का 8 बजे पहुंचता था तो आज 8:25 में पहुंचेगा। और यहां से, अब यही मेन बात है सवाल में, यहां से यहां तक जाने में लड़के को लग रहा है आधा घंटा, यहां से यहां तक जाने में आधा घंटा लग रहा है, यहां पे पहुंचा 8:25 पे, तो आधा घंटा पहले जो घड़ी का टाइम होगा ना, आधा घंटा पहले घड़ी का टाइम होगा 7:55। ये तो क्लियर है कि 10 किलोमीटर इसको जाना है और 20 की इसकी स्पीड है, 20 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है लिखा हुआ है। ठीक है, तो लड़के को यहां से यहां तक जाने में आधे घंटे लगेंगे, आज लड़का 8:25 पे पहुंचा है तो आधे घंटे पहले घड़ी का टाइम होगा 7:55। ट्रेन लेट हुई है, सॉरी, लड़का लेट हुआ है, ट्रेन नहीं लेट हुई है, तो अगर ट्रेन नहीं लेट हुई है तो ट्रेन तो अभी भी यही है और ट्रेन यहां पे 8 बजे पहुंच जाएगी। फिलहाल अभी ट्रेन यहां पे है और घड़ी में 7:55 हो रहा है, जब ट्रेन यहां पहुंचेगी तो घड़ी में 8 बज रहा होगा, यानी यहां से यहां तक ट्रेन को आने में 5 मिनट लगेगा। तो ये ट्रेन 10 किलोमीटर 5 मिनट में चल रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 10 और टाइम हो जाएगा 5/60। 5 मिनट था ना, मैं किलोमीटर पर आवर में निकालना चाह रहा हूं। तो ये ट्रेन 5 मिनट में यहां से यहां पहुंच रही और ये दूरी 10 किलोमीटर है, तो जो स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगी। तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 120 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये लड़का मूव करेगा, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, सॉरी, ये ट्रेन मूव करेगी। लड़का तो खैर 20 से चल रहा है, ट्रेन 120 से चलेगी। एक बार मैं आपको फिर समझा रहा हूं, बहुत बढ़िया प्यारा सवाल है, छोटा सा सवाल है, होता नहीं लेकिन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक्स अप्लाई होते हैं, ज्यादा इसके अंदर मतलब गणित नहीं अप्लाई होता है। सवाल बस इतना सा था कि ये दोनों 8 बजे रोज सुबह यहां मिलते थे, एक दिन लड़का 25 मिनट लेट हो जाता है, ट्रेन लेट नहीं होती, लड़का लेट हो जाता है 25 मिनट, तो ट्रेन उसे 10 किलोमीटर पहले ही मिल जाती है। तो आपको यह बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है अगर लड़के की स्पीड 20 है। तो देखिए, लड़का आज 25 मिनट लेट है तो यहां 8:25 पे पहुंचेगा, यहां से यहां तक लड़के को आने में आधे घंटे लगेंगे, स्पीड और डिस्टेंस दे रखी है, तो यानी अभी घड़ी का अगर टाइम अगर 8:25 है तो आधे घंटे पहले घड़ी का टाइम होगा 7:55, तो 7:55 पे लड़का यहां पर होगा, इस जगह पर 7:55 पर होगा और ट्रेन भी 7:55 पे यही होगी। अब इस ट्रेन को यहां से यहां तक पहुंचने में 5 मिनट लग रहे हैं मात्र, और 10 किलोमीटर चल रही है, तो अगर 10 किलोमीटर चल रही है और 5 मिनट लग रहा है तो ट्रेन की जो स्पीड आएगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जो आएगी, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम है 5 मिनट, डिवाइड कर दिया 60 से क्योंकि मुझे आवर में चाहिए, तो ट्रेन की स्पीड जो आ जाएगी वो 120 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ जाएगी। एक और इसके अंदर क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड नहीं है, ठीक है, सॉरी, बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड है, इसके अंदर भी बहुत फार्मूले आपके नहीं लगते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। सवाल ये है कि एक कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री आमतौर पर गांव देहात में होती है जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होती है, जमीनें सस्ती होती है, तो ये एक फैक्ट्री है जिसके अंदर एक इंजीनियर काम करता है। अब इंजीनियर गांव में नहीं रहना चाहता तो ये शहर में रहता है और रोज शहर से गांव की तरफ आता है, ट्रेन पे बैठ के आता है, ये समझ लीजिए कि ये रेल की पटरियां है, ऐसे आता है। और होता ये है कि इंजीनियर आके, ये स्टेशन है, यहां पे उतरता है, स्टेशन पे आके उतरता है और रोज 10 बजे ये ट्रेन यहां पे पहुंचती है, ट्रेन हमेशा राइट टाइम रहती है, ठीक है, ये ट्रेन से आता है रोज सुबह 10 बजे यहां पर इंजीनियर उतरता है, और जब इंजीनियर उतरता है उसी समय फैक्ट्री से कार लेने आती है और कार ठीक 10 बजे यहां पहुंच जाती है, कार मतलब जिस समय इंजीनियर पहुंचता है उसी समय कार भी यहां पहुंच जाती है, और ये जो इंजीनियर है ये कार में बैठता है
कार में बैठता है और बैठ करके फैक्ट्री पहुंच जाता है। रोज का ये प्रोसेस चल रहा है। ठीक 10 बजे इंजीनियर यहां पहुंचा, ठीक 10 बजे यहां कार भी पहुंची, इंजीनियर कार में बैठा, बैठ करके फैक्ट्री पहुंच गया और फैक्ट्री पहुंच के अपना काम धाम जो इसको निपटाना था उसने निपटाया। ठीक है, ये रोज का प्रोसेस है। इंजीनियर 10 बजे यहां आता है, ठीक 10 बजे कार भी यहां पहुंच जाती है, कार में बैठता है, वापस लौट जाता है, फैक्ट्री जाता है, अपना काम धंधे निपटाता है। ठीक है, एक दिन ऐसा होता है कि ट्रेन एक घंटा बिफोर हो जाती है। बिफोर का मतलब पहले आ जाती है, ये पहले वाले ट्रेन इंडिया में नहीं आती है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि ट्रेन एक घंटा बिफोर आ जाती है। तो अब एक घंटा बिफोर आ जाती है, इंजीनियर यहां 9 बजे ही पहुंच जाता है, 9 बजे पहुंच जाता है, सोचता है बैठ के एक घंटे में क्या करूंगा, क्योंकि जो फैक्ट्री से कार आती है तो 10 बजे आती है, तो सोचता मैं यहां बैठे बैठे क्या करूंगा। तो ये पैदल ही चल देता है, पैदल ही चलता है, चलते 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 चलते, ठीक है, और वो रास्ते में देखता है कि कार उसे यहाँ के रास्ते में मिलती है, कार में बैठता है, वापस फैक्ट्री पहुंच जाता है, और ये पता चलता है कि आज वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, फिर से समझे, रोज यहाँ 10 बजे वो आता था, कार तुरंत लगी रहती थी, कार में बैठता था, निकल जाता था, एक दिन ये एक घंटा पहले आ गया, एक घंटा पहले आ गया, तो यहां से जो आने वाली कार थी वो पहुंची नहीं, तो ये पैदल चलने लगता है। पैदल चलते 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 रास्ते में उसको अपनी कार दिखती है, जिस कार से उसको रोज आना होता है, कार में बैठता है और आकर के फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन आज वो 10 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, तो अब इसी पर सवाल इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, वन डे, वन पर्टिकुलर डे, द ट्रेन इज 1 आवर बिफोर ऑन ए पर्टिकुलर डे, द ट्रेन इज 1 आवर बिफोर इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कार, the engineer starts walking on a particular day, the train is 1 hour before, instead of waiting for the car, the engineer starts walking on the way. On the way, he meets the car, gets into it, and reaches the factory, 10 minutes reaches the factory 10 minutes before the usual time, find the time up to which engineer walks क्वेश्चन में फिर से समझा रहा हूं। सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग और टेक्निकल भी है कि रोज 10 बजे यहां पे इंजीनियर पहुंचता है ट्रेन से और कार पहुंचती है फैक्ट्री से, ठीक 10 बजे दोनों यहां पहुंचते हैं, इंजीनियर कार में बैठता है, फैक्ट्री पहुंच जाता है। एक दिन ट्रेन एक घंटा पहले आ जाती है, तो स्टेशन पे वेट करने के बजाय वो पैदल चल देता है, रास्ते में उसको कहीं पे कार मिलती है, कार में बैठता है, फैक्ट्री पहुंच जाता है, और आज के दिन, आज इस खास दिन, वो जो भी उसका यूजुअल टाइम था उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, जो भी जिस टाइम पे फैक्ट्री पहुंचता था उस टाइम से 10 मिनट पहले वो फैक्ट्री पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि इंजीनियर ने कितनी देर तक वॉक किया है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, पहले तो पॉज लें, सॉल्व करें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, दो दिन, कितना भी आप लगा सकते हैं, जल्दी ये बच्चों से होता नहीं है।
हो जाए बहुत अच्छी बात है भाई, अगर आपसे हो जाए बिना किसी के सपोर्ट के तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन आमतौर पर होता नहीं, तो खूब इस पे एफर्ट मारे, 15-20 मिनट आधे घंटे तो एफर्ट सभी लोग मारे इस सवाल के ऊपर, और फिर नहीं होता है तो सोल्यूशन तो मैं बताने जा रहा हूं। तो मैं पॉज करके, आप पहले सॉल्व करेंगे, मैं सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। सवाल वैसे इसके अंदर अगर आप इक्वेशंस लिखेंगे, बहुत सारे इक्वेशंस लिख देंगे, ये टाइम T1 वो टाइम T2 और फलाना ढिमका, ऐसे करके लिखते चले जाएंगे ना, तो ये सवाल फैलता चला जाएगा और ये समेट नहीं पाओगे। इस सवाल में कॉमन सेंस आपको लगाना है, कॉमन सेंस जो कि आजकल अनकॉमन है वही आपको लगाना है। अब ये कॉमन सेंस कैसे लगाना है आपको, देखें ध्यान से। मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये समझाने के लिए, ये कार यहां से आमतौर पे चलती थी T=0 पे, यहां तक पहुंचने में इस कार को टाइम लगता था, यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता था इसको लगता था कैपिटल टी टाइम इसको जाने में लगता था, उतना ही इसको आने में लगता था, और कुल मिला के जब घड़ी का टाइम 2T होता था तो ये कार यहां पहुंच जाती थी। T=0 पे मान लिया कार ने स्टार्ट किया, कैपिटल टी टाइम जाने में, कैपिटल टी टाइम आने में, तो 2T टाइम पे कार यहां, ये जो कार है वो यहां पहुंच जाती थी और वो आदमी 2T टाइम पे यहां पहुंचता था। एक दिन ऐसा हुआ है कि वो आदमी जो है वो जो 10 बजे आया था वो 1 घंटे पहले आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे ये यहां पर जब कार पहुंचती थी तभी ट्रेन भी पहुंचती थी, तो वैसे आमतौर पर ये कैपिटल टी टाइम पे पहुंचता था, लेकिन एक दिन 1 घंटे पहले पहुंच गया, तो 1 घंटे पहले पहुंचने का मतलब आज जब पहुंचा होगा तो टाइम T-60 होगा, मैं आवर को मिनट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। तो आज के दिन रोज ट्रेन जो यहां पहुंचती थी वो कैपिटल टी टाइम पे पहुंचती थी, आज के दिन ट्रेन यहां पे T-60 1 घंटे पहले पहुंच गई, तो आज के दिन ट्रेन यहां T-60 टाइम पे पहुंच गई। अब उसके बाद मैं ऐसा मान लेता हूं कि यह T-60 पे तो यह आदमी यहां पहुंच गया। अब आदमी वॉक करता हुआ गया, मान लेते हैं उसका वॉकिंग करने का जो टाइम था वो TW मान लेता हूं, पैदल चलते हुए यहां से यहां तक पहुंचा, तो यहां से यहां तक वॉकिंग करने का टाइम TW हो गया। तो अब उसके बाद उसको TW टाइम तक उसने वॉक किया, अब उसके बाद उसको कार मिली। अब जब उसको कार मिलेगी तो उस समय घड़ी का यह टाइम हो रहा होगा, तो इतना टाइम तो कार आगे गई है तो उतने ही टाइम कार पीछे भी आएगी। तो अब आज के दिन जब वो फैक्ट्री पहुंचेगा तो घड़ी का टाइम इतना हो रहा होगा। फिर से देखें, है बहुत सिंपल सी बात लेकिन इसमें उलझाव बहुत सारा है, बहुत सारे इसके अंदर पेच आपको मिल जाते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है सवाल समझे, ये यहां से रोज कैपिटल टी टाइम पे, मैंने T=0 मैंने मान लिया जब ये स्टार्ट करता है तो कैपिटल टी टाइम पे ट्रेन पहुंचती थी, आज ट्रेन 1 घंटा पहले पहुंची, मैंने T-60 पे पहुंची है, और वो जो इंजीनियर था उसने मान लेते हैं TW टाइम तक वॉक कर गया, तो कुल मिला के जब उसको कार मिलेगी तो घड़ी का टाइम होगा T-60+TW, यानी कि कार T-60+TW इतना टाइम आगे आई है, उतना ही टाइम कार पीछे भी जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि लेकिन आज कार, अब कार जब फैक्ट्री पे पहुंचेगी तो घड़ी में इतना बज रहा होगा, फैक्ट्री में जब कार पहुंचेगी तो घड़ी में इतना बज रहा होगा, लेकिन आज जो कार है वो 10 मिनट पहले पहुंच गई है, ठीक है, 10 मिनट पहले पहुंच गई है, तो इसको मैं टोटल रोज लगता था 2T टाइम, तो आज 10 मिनट पहले पहुंची तो ये 2T-10 हो जाएगा, रोज इसको जाने आने में जो टाइम लगता था 2T लगता था, आज 10 मिनट पहले पहुंची है तो आज कार जब पहुंचेगी तो घड़ी का टाइम 2T-10 हो चुका होगा। अब इसको सॉल्व किया जाए, 2T-120+2TW=2T-10, 2T से 2T चला जाएगा, ठीक है, और 2TW जो आएगा, 2TW जो है ये 120-10 तो 110 हो जाएगा, तो TW जो आएगा ये 55 मिनट्स आ जाएगा, TW जो आएगा जो वॉकिंग का टाइम है वो 55 मिनट के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो 55 मिनट तक वो वॉक किया होगा। फिर से समझे भाई, T=0 पे ये कार चलती थी और T=2 पे पहुंच जाती थी, आज क्या हुआ, ये ट्रेन यहां जब पहुंचती थी तो टाइम वैसे कैपिटल टी होता था, लेकिन आज 1 घंटे पहले पहुंची तो T-60 हो जाएगा, तो घड़ी का टाइम T-60 हो गया और TW टाइम तक मान लो वो पैदल चला, ठीक है, यहां पे कहीं पे उसको कार मिल गई। अब कार को
जब कार मिलेगी तो घड़ी का टाइम होगा 2t-60+tw, टी बराबर जीरो पे कार चली थी और इतने टाइम पे कार उसको मिली, तो कार को जितना जाने में टाइम लगेगा उतना आने में लगेगा, तो मैंने डबल कर दिया। तो आज जब कार पहुंचेगी तो घड़ी का टाइम ये हो रहा होगा। ये आमतौर पर जो टाइम होता है उससे 10 मिनट कम है ये, तो हमने आमतौर पर टाइम 2t होता था तो उसमें से 10 घटा दिया, सॉल्व किया तो कैपिटल टी वगैरह कट गया, तो जो आदमी की इंजीनियर की वॉकिंग का टाइम आया वो 55 मिनट के बराबर आ गया।